फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه صلوات محمد وعلى الله. वही अशरा मजालिस है जो हुसैनिया अफजल महल के पुरहजूम माहौल में मुनक़द हुआ करता रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर क़ज़ा ना आई तो ये क़ज़ा ठीक से अदा की जाएगी। इरशाद ज़ात अहदियत है कि जो ज़र्रा बराबर खैर करेगा उस खैर का भी सिला, उसका बदला, उसका नतीजा, उसका अंजाम उसके सामने आएगा, और जो ज़र्रा बराबर शर करेगा उस शर का भी नतीजा अंजाम उसको उसके सामने आएगा, देखेगा वो। खैर का भी रद्द अमल वो देखेगा, शर का भी रद्द अमल देखेगा। उन्वान है इस सिलसिले मजालिस का खैर व शर। मौजू के मौके पर इस नाकिस तालिब इल्म से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि खैर की तो हदें और सरहदें चहारदा मासूम के सदक़े में मालूम थीं, शर की हदें इतनी लामहदूद हैं कि एहसास हो रहा है कि मौजू के तकमले का हक़ शायद अदा ना हो पाए। अच्छा, ये मौजूआत ऐसे हैं कि इनके बारे में ये कोई किताब तो है नहीं कि पहले सफ़े से शुरू की आखिरी सफ़े पर ख़त्म हो गई। कोर्स तो है नहीं ये कि ये पहले क्लास का कोर्स है, ये दूसरे क्लास का कोर्स है, ये तीसरे क्लास का कोर्स है। ये तो असल में एक फ़िक्र जारियो सारिय रब्बानी है जो लोहे महफूज पर सब्त है और वो लोहे महफूज से मुंतकल होती रही है कुतुब समाविया और सोहफ समाविया की शक्ल में, और वो नाजिल होती रही है अम्बिया व मुरसलीन पर इंसान की हिदायत के लिए। हिदायत किसको कहते हैं?
मुझे आपके घर का रास्ता नहीं मालूम, मैं इधर उधर बहक गया, तीन गलियां पहले मुड़ गया, दो गलियां पहले मुड़ गया, एक गली पहले मुड़ गया, अब मैं मुख्तलिफ गलियों में जाके दरवाजे खटखटा रहा हूँ, नेम प्लेट भी नहीं है, घंटी भी नहीं है, आवाज़ें दे रहा हूँ, मैं आपका नाम लेके आवाज़ दे रहा हूँ, क्योंकि उस महल्ले में आप रहते ही नहीं तो जवाब आएगा नहीं, लेकिन अगर जवाब आया तो ये आएगा कि ये उनका नहीं इनका घर है। अच्छा, अगर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या बदअक्ल हूँ तो आप यहाँ निकलने की नीयत से घर से चला था, किसी और के दरवाजे बजा के बैठ गया, एक गिलास पानी पिला दीजिए, गर्मी का ज़माना है, आपने सोचा यार बूढ़ा आदमी है, चलो घर में चाय मौजूद है, अब वो पत्ती कहाँ की है, शकर कहाँ की है, ये जिस बाग से पत्ती आई है वो बाग किसी ने किसी से छीन लिया है या उसका अपना, ये दूध कहाँ से आया है, किस जानवर का दूध है, हलाल है कि हराम है, इससे मतलब नहीं, हमने पी लिया, आप अच्छा जो हमने खाया पिया उसका हम पर असर भी ज़रूर पड़ेगा, माल हराम और माल हलाल का दोनों का अपना अपना असर होता है। तो नतीजा यह है कि पहुंचना था वहीं कहीं बैठ गए, नाम उसका लेते रहे जिसके यहाँ जाने की नीयत से निकले थे, और अब उसने के साथ हो गए थे, वो भी कुछ हम मिजाज था, शाम हुई उसने कहा थोड़ा सा जुआ हो जाए, थोड़ी सी शराब हो जाए, थोड़े से गुनाहाने सगीरा, थोड़े से गुनाहाने कबीरा, पेट भर के गीबत भी कर रहा है, हमें भी मौका मिल रहा है गीबत करने का, सब कुछ हो रहा है, निकले थे खैर की नीयत से, शर को पहचान नहीं पाए, या पहचान गए तो अपने मिजाज में भी शर था, तो शैतान ने शैतान की बायत कर ली, खबासत ने खबासत की बायत कर ली, नहुसत ने नहुसत की बायत कर ली, नजासत ने नजासत की बायत कर ली, और फिर एक माहौल बना, भी उसी माहौल को सोसाइटी कहने लगे। असल में खैर अल्लाह की एक अमानत है, उसने 1,24,000 अंबिया, और फिर वो खैर भी अपने दराजात के एतबार से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस वक्त ये जो सैनिटाइज़र लिए लोग घूम रहे हैं, जगह जगह ये जो स्प्रे हो रहा है, ये वहीं तो हो रहा है जहाँ कोरोना का ख़तरा है या कोरोना है, तो इलाज वहीं होता है जहाँ बीमार हूँ। अब सोसाइटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुआशरा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और उस बीमार मुआशरे की इस्लाह के लिए, उसको शर से खैर की तरफ लाने के लिए अल्लाह ने एक दुर्र यतीम को भेजा। वो फ़ख्र आदम भी था, फ़ख्र नूह भी था, फ़ख्र इब्राहिम भी था, फ़ख्र इस्माइल भी था, फ़ख्र मूसा भी था, फ़ख्र ईसा भी था। अब हुआ ये कि जब अल्लाह ने उससे कहा कि जाओ, ये दुनिया आदम की आदमियत को भुला बैठी, ये दुनिया नूह के जज्बा नजात को भुला बैठी, ये दुनिया इब्राहिम की खुल्लत को भुला बैठी, ये दुनिया मूसा की हैबत को भुला बैठी, ये दुनिया ईसा के जोद को भुला बैठी, तो उसने कहा देख परवरदिगार, आदम गए लेकिन आदम के साथ कोई दूसरा आदम नहीं था, नूह गए, नूह के साथ कोई दूसरा नूह नहीं था, इब्राहिम गए, इब्राहिम के साथ कोई दूसरा इब्राहिम नहीं था, मूसा गए तो मूसा के साथ कोई दूसरा मूसा नहीं था, ईसा गए तो ईसा के साथ कोई दूसरा ईसा नहीं था। उसने कहा चलो तुम्हें 14 हिस्सों में बांट के भेजे देती, तुम्हें तना नहीं रहने देना। वो महमूद था, उसने मोहम्मद बना दिया,
वो आला था उसने अली बना दिया, वो फातिर समावाद था उसने फातिमा बना दिया, वो मोहसिन था उसने हसन बना दिया, वो खदीमुल एहसान था उसने हुसैन बना दिया, वो माबूद था उसने जैनुल आबदीन बना दिया, वो इल्म था उसने बाकरुल उलूम बना दिया, उसे सच्चाई अच्छी लगती थी उसने जाफर सादिक बना दिया, उसको अपने गैज़ो गज़ब को रोकता था अजाब नाजिल करने से पहले हिदायत फरमाता था उसने ने मूसा काज़िम बना दिया, उसको अपनी मर्जी पर चलने वाले अच्छे लगते थे उसने ने अली रज़ा बना दिया, उसको अपने से खौफ खाने वाले अच्छे लगते थे उसने ने मोहम्मद तकी बना दिया, वो ये फिरौन और नमरूद और शद्दाद के लश्करों से हिरासा नहीं था उसने इन्हें हसन अस्करी बना दिया, वो है नजर नहीं आता उसने इन्हें मेहदी बना के पर्दे गायब कर दिया। एक सलावत पढ़े बाबा जान देखिए एक चीज मैं बहुत ही खुले हुए लफ्जों में कह रहा हूँ, मैं इसना अशरी शिया हूँ और मैं मजलिसें सिर्फ शियों के लिए पढ़ता हूँ। वो शिया जो इतने लिबरल ना हो जाए कि गैर शिया में बैठ के शियों की बुराइयां करने लगे। अब मुझसे आप किसी इल्मी दकियानुसियत की ज़्यादा तवक्को न कीजिएगा, और यूँ भी ट्रांसलेट मेरे गड़बड़ हो जाते हैं तो हक़ के ऊपर ज़्यादा जोर भी देना नहीं आता मुझे, और वाजिबात अदा करता हूँ तो तजवीद व क़िरत के कवानीन को साथ रखता हूँ, उसकी पाबंदी की कोशिश करता हूँ, उर्दू उर्दू ही मैं बोलता हूँ। मुझे सिखाने वाले मेरे दो उस्ताद हैं, एक का नाम है अनीस जिन्होंने अवध की तहजीब को का लिबास पहना दिया सानेहे करबला को, और दूसरे हैं दबीर जिन्होंने शौकत अल्फाजों सनातों के और मुहावरों के इस्तेमाल में वो शफाफियत पैदा की कि इन दो के हिसार में उर्दू हुई महफूज। बुरा न मानना मैं जो कह रहा हूँ वो मुबालिगा नहीं है, गजल का गालिब से बड़ा शायर कोई नहीं है, और मरसिया अगर न होता और अनीस ने जिस तरह मरसिया कहा यूं तो अमामिया हरविया मूसवी की नस्ल से हैं, पांचवीं पुश्त थी, चार पुश्तों का तजर्बा लिए हुए थे, पांच पुश्तों का तजर्बा लिए हुए थे, तो जरा के खानदानी तजर्बा था, उनके खून में वो सब कुछ दौड़ रहा था जो उनके मरसियों में नजर आता है। दबीर के यहाँ शौकत अल्फाज, सेहत रवायत, जलालत अल्फाज, और वो अल्फाज के जो उर्दू में मुस्तमल न थे वो बतसद्दुक दबीर उर्दू में इस्तेमाल हो गए। तो मैंने उर्दू सीखी है, मुझे थोड़ी बहुत उर्दू आती है, और कोशिश यही करता हूँ कि मजलिस उर्दू में पढ़ूं, उर्दू समझने वाले उसको सुने, और उनके लिए शर्त ये कि उनके यहाँ अकीदे गड़बड़ ना हों। मैं शेरों में बड़ा महदूद आदमी हूँ, मुझे ऐसी शोर, मुझे इस चीज़ से बहुत उलझन होती है, बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल अवायले उम्र, जब आदमी हर आदमी अपने को पहचानवाने के लिए परेशान होता है, उस उम्र की बता रहा हूँ। वो बम्बई में मैंने कुछ मजलिसें पढ़ी, यानी आप समझिए 21-22 साल का मेरा सिन था, तो वहाँ दो साहिबान बैठे हुए बुजुर्ग, वो भी मेरे फूफीजाद भाई ताहिर जरवली साहब के असहाबे बेवफा में थे। अब वो कहने के बौरी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी जी, मैंने कहा छोड़िए मैं सातवें इमाम की औलाद दूं जो मेरे जद की तारीफ न करे वो उसकी तारीफ में क्यों खामोश करूं। ये अजीब, ये शियों, ये कौन सी शियत है, हिंदू बहुत तारीफ कर रहे हैं,
जी हिंदू तारीफ करें तो आप हिंदी में संस्कृत में प्रवचन दीजिए, जाइए मंदिरों में, तिलक लगाइए, बैठिए, गेरुआ कपड़े पहनिए। गैरों की तारीफ बहुत अच्छी लगती है, गैरों से बेवकूफ़ भी बनते हैं वो, कहीं पर नबी लिख देते हैं, कहीं पाली लिख देते हैं, एक टेटवा है, अच्छी सी आवाज़ है, किसी से कुछ कहलवा लिया है, उनको पैसे देते चले जा रहे हैं। ये मालूम है क्या, ये बैन अल-अक़वामियत की जो बैन अल-अक़वामी वबा है, ये दिमागी करोना है। अब आइए देखिए, मैं अब आपको एक और तरफ ये चल रहा हूं। खैर अपने मरकजियत की निशानदेही कर रहा है, अपने घरों को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, खुदा ना खास्ता आप बहुत ज़्यादा थके हों या आप अपने अंदर जो बूढ़े लोग हैं वीकनेस फील कर रहे हों, कमजोरी महसूस कर रहे हों, तो आप रेस्ट करने कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे ना, कि भाई चलो घर में चल के कुछ देर अपने बिस्तर पर लेटे हैं, सोएं, आराम करें। अपने घरों को छोड़ के अबू तालिब की बहू के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक शख्स, अबू तालिब की बहू कह रहा हूँ, वक्त तक के है जब तक के ब्याह ही नहीं गई, जब ब्याह दी गई तो ससुराल से पहचानी जाती है। अबू तालिब की बहू के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उस दरवाजे पर जाके मालूम नहीं वो दरवाजा कैसा था कि उस दरवाजे पर जाके अपने दरवाजे पर अपने घर की औरतों को सलाम न करने वाला। मुझे नहीं मालूम कि रसूल अपनी किसी जोजा के दरवाजे पर गए हों, अपनी जोजा को दरवाजे के बाहर से सलाम किया हो, लेकिन अबू तालिब की बहू के दरवाजे पर आते थे तो सलाम करते थे। अब कह रहे हैं कि क्या इजाजत है कि मैं तुम्हारे घर में दाखिल हूँ? ये वो है जो सिद्रतुल मुंतहा के कमाल हद आखिर तक पहुंच चुका है। ये मदीने का छोटा सा घर है और बोरिए का पर्दा है, खस्ता हाल दरवाजा है, नापुख्ता मकान है, नीची नीची छतें हैं। दरवाजे पर खड़ा कह रहा है इजाजत है कि मैं आऊं? अंदर से बेटी ने कहा बाबा तशरीफ लाइए। आए तो कहने लगे कि जिस्म में कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, शब जुमा भी है, जिस्म में वीकनेस फील कर रहा हूँ मैं, इन्नी अजदू फी बदनी अज़ाफ़न, लफी बदनी अज़ाफ़न, मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। तो बेटी ने कहा आप लेटिए अपने बिस्तर पर, अपने बाबा को लिटा के एक यमनी चादर, वो आया था कोई शख्स यमन से हज करने, हज के बाद उसने रसूलुल्लाह को एक चादर दी कि ये मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनाई है आपकी बेटी के लिए, अगर रसूल की और बेटियां थी तो एक के लिए कौन लाया। जिस घर में आप जाते हैं उस घर में आपको अंदाजा होता है कितने बच्चे हैं, उन बच्चों के हिसाब से आप कोई सामान लेके जाते हैं। ये तो मुमकिन नहीं है कि किसी के माशाल्लाह दो बेटियां हैं, किसी की तीन बेटियां हैं, किसी के खुदा रखे चार बेटे हैं, किसी के तीन बेटे हैं, किसी के दो बेटे हैं, एक के लिए आप कुछ नहीं ले जाएंगे, या तो आप खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे और कुछ ले जाएंगे तो आप सोचेंगे भाई एक बच्चे के लिए कुछ लिए जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे के लिए भी ले जाए, शराफत के खिलाफ है। वो चादर, यमनी चादर, जनाब सैयदा ने रसूल से कहा आप लेटिए, अपने मर्जी से सैयदा ने वो चादर रसूल को उड़ा दी। अब देखिएगा हो क्या रहा है, अब दरवाजे के ऊपर एक आहट हो रही है, अबू तालिब का बड़ा पोता घर में दाखिल हुआ। देखिए ईसा की मजबूरी है कि उनके बाप नहीं है, यहां दधियाल से देखा कीजिए हुसैन को, ये
ईसा का दध्याल है ही नहीं तो मजबूरी है, वरना आदमी दध्याल से पहचाना जाता है। अगर आप सैयद हैं तो दध्याल से हैं, अगर आप मिर्जा हैं तो दध्याल से हैं, अगर आप पठान हैं तो दध्याल से हैं, तो दध्याल से देखा जाएगा ना आदमी को। अब वो मादर ग्रामी घर में तो नाना की खुशबू फैली हुई है। हाँ हुआ नायमुन तहता हादल किसा, वो चादर के नीचे लेटे हैं, वहाँ जाके चादर के पास ये बेतकल्लुफ नवासा जो भरी मस्जिद में खुतबे के दौरान तकरीर कर रहे होते थे रसूल, उस दौरान लोगों के दरमियान से होता हुआ जाके गोद में बैठ जाता था। अपने घर के अंदर इस बेतकल्लुफ माहौल में चादर के करीब आके रुक गया। नाना मेरा सलाम, क्या इजाज़त है कि मैं चादर के नीचे आऊँ? कहा आओ, इजाज़त है। अब अबू तालिब का छोटा पोता घर में दाखिल हुआ। एक सलावत बा आवाज़ ज़बरन पढ़िए मोहम्मद। और हुसैन ने आके कहा कि अम्मा नाना की खुशबू से घर महक रहा है, नाना की खुशबू से घर महक रहा है। कहाँ? वो चादर के नीचे लेटे हैं। ये बेतकल्लुफ हुसैन जो भरी मस्जिद में सजदे की हालत में जाके पीठ पर बैठ चुके, ये घर के अंदर इजाजत मांग रहे हैं। अच्छा एक चीज तो देखिए साबित हो गई कि अल्लाह ने एक चीज अपने रसूल के लिए मखसूस की थी, वो थी रसूल की खुशबू। वो खुशबू और खुशबुओं से अलग थी, वरना हसन क्यों कहते कि घर में नाना की खुशबू फैली हुई है, हुसैन क्यों कहते कि नाना की खुशबू से घर महक रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई साहब इतने गुलाब लगाए हुए हों, कोई साहब इतने सद्दर लगाए हुए हों और लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो उनको पहचानने के लिए आपको रोशनी की जरूरत नहीं है, खुशबू से आप पहचान जाएंगे। अंधेरा या दीवार के पीछे आप हैं और दीवार के दूसरी तरफ वो साहब हैं जो जिनकी खुशबू मखसूस अपने उनका एक ब्रांड है, वही इतर लग पहचान जाएंगे कि वो हैं। गलत तो नहीं अर्ज करूँ, कोई साहब ओढ़े लेटे हुए सर से पांव तक ढके हुए चादर में, खुशबू से पहचान जाएंगे, जैसे कि हसन ने पहचान लिया, अली ने पहचान लिया। अब सुनिए, शबे हिजरत रात भर कुफ्फारे कुरैश घर को घेरे रहे इस यकीन के साथ कि ये रसूलुल्लाह हैं। अब सुनिए, जब सुबह हुई तो दीवार फांद के घर में दाखिल हुए, दीवार का पर्दा हटा, बल्कि सुबह होगी तो पहला पर्दा तो अंधेरे का था, ये पहला पर्दा हटा, दीवार का दूसरा पर्दा हटा, अली ने चेहरे से ज्यादा लड़ाई, तीसरा पर्दा हटा, तीन पर्दे हटे तो अली दिखाई दिए। बताइए कि शब हिजरत अगर अली के जिस्म से खुशबू रसूल नहीं आ रही थी तो ये लोग रात भर घर क्यों घेरे रहे? इसका मतलब ये कि रसूल जब हिजरत करके गए, हमेशा के लिए नहीं, हिजरत करके गए, तो अभी अली को अपनी खुशबू तक की विरासत दे के गए हैं। अपनी विरासत, अपने को लावारिस नहीं छोड़ा,
वो खुशबू की विरासत अली को दे गए थे। मेरे पास उसका भी दूसरा सबूत है। रात गार में गुजरी, उधर से कुछ गुजरने वाले गुजरे, कोई रोया, मगर उस रात उस गार से रसूल की खुशबू नहीं आई, क्योंकि खुशबू अली के पास थी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक सलावत पे आवाज बुलंद मोहम्मद। आइए फिर अबू तालिब की बहू के घर की तरफ चलें। अब अली घर में दाखिल हुए, कह रहे हैं रसूलुल्लाह की खुशबू घर में हर तरफ बिखरी हुई है। कहा हाँ, चादर के नीचे हैं। अली कह रहे हैं कि इजाज़त है, हाजिर हूँ। अली आ गए। अब जब ये सब जमा हो गए, आखिर में सैयदा सरहाने आके खड़ी हूँ, अपने घर में अपनी चादर के नीचे जाने की उस बाबा से इजाजत मांग रही है जो सैयदा की मर्जी पर जिंदा है, जिसे सैयदा की हर बात अच्छी लगती है। कहाँ आओ, देखिए ये सब चादर के नीचे जब सैयदा पहुंची, इस खानदान की तहजीब सुन लीजिए। अगर इस खानदान का कल्चर समझ में ना आया तो आप जब तक के हिफ्ज मरातिब आपके अंदर पैदा नहीं होगा। ये मैं बच्चों से कह रहा हूँ, और आप बच्चे फिर अहले बैत की शान में बेतुकी बातें करने लगेंगे। यहाँ लफ्ज मिल रहा है हमें हदीस किसा में कि हजरत अली ने पूछा था कि माल जुलूस ना हाजा तहतर किसा, ये हम चादर के नीचे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? लफ्ज है बैठना। चादर के नीचे सैयदा के आने के बाद कोई लेटा नहीं था, रसूल समेत सब बैठे हुए थे। एक चादर के नीचे पूरे खानदान का लेटना बेहुर्मती है। एक चादर के नीचे पूरे खानदान का जमा होना इत्तेहाद है। बैठे हैं माले जुलूसना। अब उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। इतनी देर में वो आया कि जो बहुत पुराना आने का आदमी है, आया जिब्राइल, आके पूछ रहा है कि नहीं, पहले तो जिब्राइल ने फलक पा मलक ने रब्बुल अफलाक से पूछा कि परवरदिगार वमन तहतल के साथ ये चादर के नीचे है कौन? जिब्राइल, तुम हम मुकस्सिर मौलवियों के ऐसे कब से हो गए? तुम ये एहसास कमतरी में मुब्तला क्यों हो गए? जिसके घर के नौकर हो उसी को नहीं पहचान रहे हो? ये तो हम घटिया इंसानों का काम है, ये नमक हरामी हमारा काम है। तुम तो इस दरवाजे पर यतीम बन के जा चुके, मिस्कीन बन के जा चुके, फकीर बन के जा चुके। तुमने यहाँ की भीख को तबरुक समझ के ले जाके जन्नत में खाया। अब आज पूछ रहे चादर के नीचे कौन है? ये तो एहसान फरामोशी हम इंसानों का के मिजाज के शर का नतीजा है। तुम साहिब नफ्स लवामा हो, साहिब नफ्स मारा तो हो नहीं, तुम बदनफ्स तो हो नहीं? तो जिब्रील कहेंगे बदअक्ल, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नबी को भी पहचानता हूँ, अली को भी पहचानता हूँ, हसन को पहचानता हूँ, हुसैन को भी पहचानता हूँ, और मैं तो फिजा तक को पहचानता हूँ, मैं तो कम्बर को भी पहचानता हूँ, मैं उस घर के गुलामों कनीजों को पहचानता हूँ और उस घर का नमक खा रहा हूँ। वजह यह कि जो नूर चादर से छन के आ रहे हैं वो इतने बराबर के हैं कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि नबी कौन है, अली कौन है, सैयदा कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। आलम अनवार में मैंने कहा था नहीं, उसने खैर को 14 अज्जा में तकसीम कर दिया, ये 5 जुज बराबर के हैं, नूर बिल्कुल बराबर का है। उसके बाद जिब्राइल को भेजा गया। जिब्राइल एक आयत लेके आए, शब जुमा, अल्लाह आपके घरों को हर बला, हर मुसीबत, हर आफत से महरूम रखे, लेकिन ख़ास तौर से इस कोरोना पीरियड में कोशिश कीजिए कि कोई शब जुमा ऐसी ना हो जिसमें आप अपने घर में हदीस किस्सा ना पढ़िए। अब आयत क्या नाजिल हुई,
इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहले बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक सलावत पढ़ते हैं बाबा तो। अब यह वाक़या किसी को रसूल ने सुनाया, किसी को अली ने सुनाया, किसी को हसन ने सुनाया, किसी को हुसैन ने सुनाया। कुछ ख़वातीन जनाब सैयदा के पास पहुंची। ये कल क्या हुआ था जिसका चर्चा मस्जिद में भी है, बाजार में भी है, जगह जगह जिक्र हो रहा है, घरों घरों। जनाब सैयदा ने बताया कि यूं आए थे। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी चादर इतनी बड़ी मौजिज़नुमा है कि उस चादर के नीचे आके रसूल का की कमजोरी दफा हो गई। रिसालत ने चादर सैयदा में शिफा पाई है। बस सबसे ज्यादा मैं क्या अर्ज करूं। अच्छा, कुछ चीजों का ताल्लुक भाई मारिफत से है, उसको लफ्जों में उस कैफियत को नहीं बयान किया जा सकता, न लफ्जों में उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए, उस वक्त जब ये पांच एक चादर के नीचे थे तो रूह आदम कहाँ थी, रूह नूह कहाँ थी, रूह इब्राहिम कहाँ थी, रूह इस्माइल कहाँ थी, रूह मूसा कहाँ थी, फलक के चारों पर रहने वाले ईसा किस कैफियत में थे। इसका मतलब है कि उस वक्त वो घर, वो चादर, उसके नीचे ये पांच हस्तियों का एक साथ जमा होना, ये वो मंजर था जिसकी ज़ियारत को आदम अपनी आदमियत के लिए, नूह अपनी रजात के लिए, इब्राहिम अपनी खुल्लत के लिए, मूसा अपनी हैबत के लिए, ईसा अपनी हयात के लिए, अपने दिमागों में, दिलों में, निगाहों में नूर से नूर को जज्ब कर रहे थे। और फरिश्ते सलावात पढ़ रहे थे। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं कुछ कहूँगा तो लोगों को बात अच्छी लगेगी, जब लोगों को बात अच्छी लगेगी तो कुछ लोगों को इसलिए बुरी लगेगी कि कुछ लोगों को अच्छी लग रही है। मगर मैं इतना जानता हूँ कि जनाब खतीजा के बाद, हाँ इस बीच जनाब उम्मे सलमा भी, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा, वो चादर के पास आई। मैं आऊं चादर के नीचे तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, उम्मे सलमा अंते आला खैर, अंते आला खैर, उम्मे सलमा तुम तो खैर पाओ। उम्मे सलमा वापस चली गई। रसूल ने एक को खैर का सर्टिफिकेट दिया, जो खैर पति उसी को खा के शिफा भी दी हुसैन ने। सिलसिला भी देखिए। जुमला सुनिए, खाके शिफा नबी की उस बीवी को मिलती है जो खैर पाओ। उस मौलवी को क्या मिलेगी जो ना वो खुद खैर पा, ना उसका बाप खैर पा, ना उसका दादा खैर पा। ये अहले खैर की पहचान है, ये खाके शिफा अहले खैर की पहचान है। अहले खैर खबर तक खाके शिफा ले जाती हैं। ये जनाब उम्मे सलमा की शिनाख्त बताई थी रसूल ने कि तुम खैर पाओ। जाते वक्त हुसैन जाफर अब्दुल्ला इब्ने जाफर को भी खाके शिफा दे सकते थे, जनाब मोहम्मद हनफिया को, अपने भाई को भी खाके शिफा दे सकते थे। लेकिन ये लफ्ज खैर अपनी मेराज पे पहुंचा नुजूल आए तथीर के वक्त। दूसरा जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, चूंकि सैयदा की चादर की हद अजमत का एतराफ था दिल से जनाब उम्मे सलमा को, तो चूंकि जनाब सैयदा की चादर की अजमत का एतराफ था तो रसूल ने उन्हें कहा कि तुम खैर पहो। देखिए, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं,
मगर मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात इसलिए नहीं कि आप समझिए, मगर आप कुछ समझिए। तो ज़रूरी नहीं कि हर बात कही जाए तो आप समझिए। रसूल की जितनी अजवाज मुतहरात हैं रसूल के, उनके बारे में, उनकी तहारत, उनकी इस्मत ज़ाहरा और उनकी पाकीज़गी में जो शक करे वो काफिर है, क्योंकि नामों से रसूल का मामला है। हम क्या जाने, जो चीज़ रसूल से मंसूब हो जाए वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। फिर जगह जगह हमारे आज़ा खानों में, ख़ासतौर से अवध के इलाकों में, अवध के बाहर भी, शुमाली हिंदुस्तान में, जनूबी हिंदुस्तान में, इस गैर उर्दू स्पीकिंग हिंदुस्तान में और जगहों पर, अरबी से हमने ईरानी से तरीक़ा सिखाए, बहुत सी जगहों पर अज़ा खानों में सामान अज़ा के साथ साथ हाथ का या पैर का एक निशान भी पत्थर के ऊपर होता है, वो मंसूब होता है रसूलुल्लाह के हाथ, हज़रत अली के हाथ या रसूलुल्लाह के पैर के निशान से। हमारे शहर में बनाया गया है लेकिन मंसूब हो गया तो हम बेवजू उसको मस नहीं करते। तो इस अजमत और तहारत वाले रसूल ने जनाब उम्मे सलमा को खैर पा होने की बशारत दी। उम्मे सलमा ने यह बताया कि जो पंजतन पाक के बराबरदारी न करे वो खैर पाए, बहुत साफ था, बहुत खुली हुई बात, जो इनकी बराबरदारी न करे वो खैर पाए और जो इनके मुकाबले आ जाए चाहे कोई हो शर पाए, चाहे जो हो, चाहे जो अब जब हुसैन जा रहे थे मदीने से तो करबला का मंजर पूरा दिखाया, ये भी बता दिया कि जो खैर पाए ज़ियारत करबला उसी का मुकद्दर है। उसके बाद दूसरा काम कि वहाँ से एक मुट्ठी खाक उठाई, एक शीशे में रखी, कहा नानी इसको देखती रहिएगा, जिस दिन ये खाक खून में बदल जाए समझ लीजिएगा आपका हुसैन अब नहीं रहा। हुसैन के काफिले में कौन कौन है ये तो बड़ी तफसील है, और खुदा सेहत व सलामती से रखे और तुल उम्र अता करे। मैं बराबर उनको देख रहा हूँ टीवी के ऊपर, और गुज़िश्ता मुहर्रम से मैं खुदा रखे इल्म भी बहुत वसी है और बड़ी अच्छी इल्म हदीस पर नज़र है। हुज्जत इस्लाम मौलाना वसी हसन खां साहब, मेरे उनके कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं हैं लेकिन मैंने उनको गुज़िश्ता साल पहली मर्तबा उर्दू में सुबह आशूर से रात तक के उनसे मकबल सुना है मैंने, तो मेरे दिल में साहिबान इल्म की कदर हो जाती है, चाहे वो मुझे जानते हों चाहे न जानते हों। अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी ज़बान में मजीद तासीर अता फरमाए, और रो रो के वो मसाइब भी बयान करते हैं और किताबें असल इबारतें पढ़ पढ़ के। अच्छा, जब आदमी इबारत पढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि कितना पढ़ा लिखा है आदमी, बहुत काबिल पढ़ा लिखा है और वसीउल नज़र है, बड़ा अच्छा मुतालिया है। वो आपको मसाइब सुना रहे हैं, वो सुनिए आप, और मुस्तनद चीज़ें सुना रहे हैं, वो रवायतें, रावियों के हवाले, रावियों का नाम। बहरहाल ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं। मुकस्सरीन लआम सुन लें कि जब तक के उलमाए किराम हैं हक बयान होता रहेगा। अब ये कि आज तीन चीज़ें एक साथ हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। पहली बात तो ये कोरोना की वजह से जो हम में आप में एहसास तन्हाई पैदा हुआ है, आप में जो जिस उम्र का है, आप लोग बच्चे हैं लेकिन आप लोग भी जब से आप
सातवीं मुहर्रम की ये शाम क्या गुज़िश्ता मुहर्रम में इसी तरह गुजरी थी जैसे अब गुजर रही है? वो सारे मजमे, वो सारे मनाजिर, वो सारी कैफियतें हर उम्र के आदमी के जहन में पूरा माजी अपने आप को दोहरा रहा है। वहां जाते थे और वहां जाते थे, वहां से मेहंदी का जुलूस उठता था, वहां इस तरह से मजलिस होती थी, वहां इतना बड़ा मजमा होता था, फला जगह एसीटीटी कैमरे लगे होते थे, वो टीवी लगे होते थे, फला जगह वॉल लगे हुए होते थे और मजमा अपनों उरूज पर होता था। लाखों के मजमे हो रहे हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, पूरी एक किलोमीटर तक के हाईवे के ऊपर दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया, कोई बाइक नहीं चल सकती, कोई साइकिल नहीं चल सकती। सारे मनाजिर आज सातवीं मुहर्रम को ज्यादा याद आ रहे होंगे ना आप। एक तो ये, दूसरे आपसे एक चीज मैं अर्ज करूं कि पानी पर पाबंदी तो लगना शुरू हो गई थी तीसरी मुहर्रम से, चौथी मुहर्रम से, पांचवी से थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा था, जो छठी की रात भर इस्तेमाल हुआ सातवीं की सुबह उस घर में एक कतरा पानी का नहीं था। देखिए ये प्यास, अच्छा इस प्यास को आप यूं भी गिनिए, सातवीं से गिनिए, सातवीं एक दिन, नवी आठवीं मुहर्रम दो दिन, नवी मुहर्रम तीन दिन, दसवीं मुहर्रम चार दिन, तो ये प्यास तो कम से कम चार दिन की है। हमारी इस्तेलाह में, हमारी जबान में तीन दिन के प्यासे, तीन दिन के प्यासे, चार दिन की प्यास थी। पर हुसैन तो घर के बड़े थे, जिम्मेदार थे, अब्बास तो ये सोचते होंगे कि ये पानी बच्चों के काम आ जाए, माएं ये सोचती होंगी ये पानी बच्चों के काम आ जाए, जवान बीबिया ये सोचती होंगी कि बुजुर्ग खवातीन के काम आ जाए ये पानी। देखिए महदूद कर दिया गया था ना। अच्छा पानी बंद करना अपने आप में बहुत बुरी बात है। दुनिया के मुख्तलिफ मजहबों के लोग, जिसमें मैं, यहां हिंदुस्तान है, हर मजहब के आदमी को हर काम करते हम देखते हैं, इस्लामी मुल्क के लोग उतना नहीं वाकिफ हैं जितना हम लोग। मैं इस सिलसिले में गुरुद्वारे वालों की बड़ी इज्जत करता हूँ कि वो दोनों वक्त दस्तरखान बिछा के खाना खिलाते हैं, वो खाना खाने वाले का ना मजहब पूछते हैं, ना मसलक पूछते हैं, ना फिरका पूछते हैं। और इस मरतबा कोरोना में भी जितना काम गुरुद्वारे से हुआ है, न हिंदुओं की इबादत मंदिरों से हुआ, ना बुद्ध मठों से हुआ, ना मस्जिदों से हुआ, मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात, ये सिखों की बात लाजवाब है। और पानी, हिंदू उसे पौशाला कहते हैं, सिख गुरु नानक जी के नाम के ऊपर, अच्छा सिखों के भी पांच प्यारे हैं, वो पांच जिनको कत्ल कर दिया गया था, जिन्हें वो शहीद मानते हैं, उनके भी शहीद हैं इत्तेफाक से, उनके भी जो बड़े हैं उनकी तादाद भी पांच है। और हर जगह मैंने ठंडे पानी का इंतजाम देखा है, इसमें मजहब की बात नहीं है। आपको ठंडा पानी हर एयरपोर्ट पर मिल जाएगा, आपको रेलवे स्टेशनों पर ठंडा पानी पीने वाला मिल जाएगा, जगह जगह हिंदी में, अंग्रेजी में, कहीं कहीं पर उर्दू में, कहीं पर तेलुगु में, कहीं तमिल में, मुख्तलिफ जबानों में पीने का पानी लिखा हुआ मिलता है। उसके अलावा इशारा भी मिलता है कि जो कोई जबान ना जानता हो, बिल्कुल जाहिल हो, वो भी समझ जाए कि यहाँ पानी पीने के लिए दस्तयाब है। तो इसका मतलब यह है कि किसी मजहब से ठंडे पानी का ताल्लुक, पानी का ताल्लुक नहीं है, बल्कि प्यास बुझाना हर इंसान का एक शरीफाना तरीका है। लोग जानवरों को पानी पिलाने के लिए अपना नया घर बनाते हैं तो बाहर एक छोटा सा हाउस बना देते हैं, उसमें पानी भरा रहे। कुछ लोग अपनी छतों के ऊपर कुछ दाने और थोड़ा सा पानी छांव में रख देते हैं कि बेजबान परिंदे भूखे और प्यासे न रहें, पानी पी लें, दाना चुग लें। ये मुसलमान हैं जो कर्बला में, ये सुन लीजिएगा, कर्बला में एक भी क्रिश्चियन नहीं है, एक भी जीव नहीं है,
एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, एक भी हिंदू नहीं है, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह अकबर कह रहे हैं। और हुसैन के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। देखिए जुलूसों पर पाबंदी है, लेकिन हमें छोटे से जुलूस का एक सलीका, हुसैन की यतीमा सिखा गई है सकीना। सकीना ने किया था कि छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, खाली प्याले हाथों में लिए और एक खेमे से दूसरे खेमे में अल आतश अल आतश अल आतश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। उसके बाद जुमला फिर आगे बढ़ता है, जुमला आगे बढ़ता है, ये फसाहत व बलागत बनी हाशिम के बच्चों के खून में शामिल है। अल आतश कत कतलाना, हाय प्यास हमें मारे डालती है। देखिए अब ये दो कैफियतें ये हो गई, आज सातवीं मुहर्रम है, आइए अब तीसरी कैफियत। एक यतीम भतीजा चचा से जिद कर रहा है कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान में जाना चाहता हूं। और चचा उसे गले लगा लगा के रो रहा है, मेरे लाल तुम मेरे भैया हसन की यादगार हो। अब सुनिए, कासिम खैमे में आए और जनाब उम्मे लैला और जनाब उम्मे फरवा यानी बेवाए हजरत इमाम हसन और जनाब अली अकबर की वालदा, ये दोनों सगी बहनें हैं जनाब मुख्तार सकफी के चचाजाद भाई की बेटियां हैं। जनाब उम्मे फरवा ने कहा, कासिम देखो मुझे बहन लैला से शर्मिंदा न करना। कासिम भैया आका हुसैन तुम्हारी बात टालते नहीं है मेरे लाल। कहा अम्मा कल रात में भी बात हो रही थी, कल भी मैं से चचा ने पूछा था कैफा तजदुल मौत, तुम मौत को कैसा पाते हो, तो कल रात में मैंने यही कहा था अहला मन लासल, शहद से भी ज्यादा शीरी है मेरे लिए, आपके ऊपर जान दे देना। अब अम्मा क्या करूं, कहा जाओ। अब आए बाबा चचा, रसूल की हदीस है, दादा ने कहा है, बाबा कहते थे, खुद आप कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, माँ का हुक्म मानना वाजिब है। अम्मा कह रही है कि मख्तल में जाओ, आप इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन रोने लगे, कहेंगे मेरे लाल ये कैसे हो सकता है, 13 साल का तुम्हारा सन है, बच्चा है, बिल्कुल बच्चा, अब कैसे मैं, फिर भाई का साया तुम्हारे सर पर से उठ चुका है, मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं। एक खाली खेमे में बैठ के रोने लगा बच्चा, रो रहे हैं, माँ कहती है जाओ, चचा कहता है कि रुको, मेरे इख्तियार में कुछ है नहीं, मैं क्या करूं। ध्यान आया कि जब बाबा इस दुनिया से जा रहे थे तो मेरे बाजू पर एक तावीज बांधा था और कहा था कि मेरे लाल जब कोई बहुत सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज को खोल के देख लेना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। अब इससे ज्यादा सख्त वक्त में रोबा कौन सा आएगा। तावीज खोला, उसमें लिखा था, कासिम रोजे आशूर करबला में मैं नहीं हूंगा, तुम मेरी नियाबत में, मेरी जानशीनी में अपनी जान मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान कर देना, और मुझे ये मालूम है कि हुसैन तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, मगर तुम ये तहरीर हुसैन को दिखा देना, उसके बाद हुसैन तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। आंखों में आंसू होंठों पर हंसी, बताइए 13 बरस के सिर का बच्चा है,
13 बरस का क्या 13वां साल लगा है, 12 बरस पूरे हुए, दौड़ता हुआ आया। चचा हाँ मेरे लाल ये लीजिए बाबा का वसीयतनामा। देखा पतीजे को गले से लगा, बहुत रोए, कासिम भी रोने लगे, हुसैन भी रोने लगे, दोनों को गश आ गया, लेकिन पानी नहीं था। अब्बास थे, अली अकबर थे, सबने मिलके हुसैन को कासिम को संभाला। जब होश आया, हाय हाय ये मसाइब बयान करना कोई आसान बात नहीं। मैं गुज़िश्ता बरसों में इसलिए ये मसाइब पढ़ाता था कि जब एक जुमला अदा होता था, ये एक बात कही जाती थी, तो एक हुजूम बहुत देर तक गिरिया करता था, जब रोने की आवाज कम होती थी तो मैं आगे बढ़ता था। इस मरतबा ये हम सब एक इम्तिहान के दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह आप सबको दुनिया में जहां जहां हैं आपको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अब सुनिए मुझसे आप, और दिलों पर हाथ रख के सुनिएगा। बच्चा इतना छोटा था कि एक रेशमी कुर्ता पहनाया गया, एक रेशमी कुर्ता, जरे उसके जिस्म के एतबार से थी नहीं। इतना छोटा बच्चा कि अब्बास ने गोद में उठा के घोड़े पर बिठाया। एक नीमचा यानी छोटी सी तलवार वो कासिम को दी गई। लेकिन मुझे कासिम के मसाइब की तफसील इस तरह में इतने कम लोगों में, वो मुझ पर खुद इतनी रिखतारी होगी, मैं उसको अदा नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मैं अपने जुमला नाजरीन से और सामेईन से माफ़ी चाहता हूँ, और जनाब सैदा से माफ़ी चाहता हूँ। सैदानी अपने यतीम पोते का पुरता कबूल कर लीजिए हमारे टूटे फूटे अल्फाज। अब बच्चा आगे बढ़ा, अब ये 13 बरस के बच्चे का सिर ही क्या, बच्चा समझ के कोई आगे बढ़ा। उसने बच्चे ने दिफा किया, उसको वासिले जहन्नम किया, कई वासिले जहन्नम हो गए। फिर अर्ज़ा कशामी के चारों बेटों को वासिले जहन्नम किया। अरे आज तो हसन के इस यतीम में मैदान खैबर के अली की शान दिखाई दे रही है। जो काम अली ने नौजवानी में किया था, वो हसन का यतीम बचपने में कर रहा है। अर्ज़ा के शामी को वासिले जहन्नम किया। अब उसके बाद एक आवाज आई, ये अली का पोता है, ये हसन का बेटा है, ये अब्बास की गोदियों का पाला है, घेर के मारो। हाय हाय, अब वो बच्चा घिर गया, हर तरफ से तलवार, नैजे, तीर, रकाबें काटी गईं, लजामें काटी गईं। कासिम घोड़े पर संभल नहीं पाए, गिरते गिरते आवाज दी, या अम्मा हाथ रख दी, ए चचा मदद को आओ। तो हुसैन ने कहा, अब्बास, अली अकबर, चलो आगे बढ़ो। अब हुआ ये कि कातिल कासिम को हुसैन ने देख लिया था। हुसैन चाह रहे हैं कातिल कासिम को इनसे इंतकाम लें, यतीम भतीजे का इंतकाम लें। लश्कर जी चाह रहा है कि कातिल कासिम को बचा ले। अब समझना आपको है, बच्चा बीच में है, इधर से हुसैन है, अब्बास है, अली अकबर है, हाशमी नौजवान है, उधर से लश्कर अजीद है, घोड़े दौड़ रहे, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, कभी चाप यहाँ पर पड़ी, कभी घोड़ा इधर, कभी घोड़े की चाप इधर, कभी सीने पर, कभी टांगों पर।
कभी घुटनों पर, या अम्मा या अम्मा या अम्मा सलाम सलाम उन लाशों पर जो बादे कत्ले हुसैन पामाल की गई, सलाम कासिम पर 13 बरस के कासिम को अल्लाह अकबर कह के जालिमों ने जिंदा कासिम को गोलों की चापों से रौंद के मार डाला। हुसैन घोड़े से उतरे, अब सुनिए हो गई मजलिस हो गई, लेकिन साथी मोहर्रम आएगी, मुझे अपनी बात कहने नहीं दिए, क्या मालूम आइंदा साल में रहूं ना रहूं, तो मुझे रूमाल सैयदा शर्मिंदा नहीं होना है। जितने आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे उतने ही मेरी नजात के इम्कान बढ़ते जाएंगे। ये बच्चा जब गया है तो गोद में उठा के अब्बास ने घोड़े पर बिठाया था, जब कासिम की लाश उठा के हुसैन सीने से लगा के चले तो लाश इतनी पामाल हो चुकी थी कि एड़ियां जमीन पर रगड़े खा रही थी। बस मजलिस मुकम्मल हो गई, लाश कासिम को लाके खैमे आज़ा में रखा, जनाब उम्मे फरवा को से कहा गया कि चलिए कासिम का पुरसा ले लीजिए। अब एक बात सुनिए, हुसैन ने कासिम की लाश को अपनी आवाज से ढक दिया था। कासिम की लाश को अपनी आवाज से हुसैन ने ढक दिया था। बीबियां जमा है, जगह में उम्र फरमाई, लाश को गौर से देखा, अब बस से ज्यादा औलाद को कौन पहचानेगा। एक मरतबा चेहरे पर से कपड़ा हटाया, अब आए हुसैन हटाई, मेरे बच्चे ये चंद लम्हों में तेरा कद इतना कैसे पहुंच गया, ये कह के चादर हटाई, अब आए हुसैन हटी, लाश कासिम को देखा। अब उसके बाद बस चंद जुमले और मजलिस मुकम्मल हो रही है। जनाब सैयदा आपको सिवाय गमे हुसैन के हर गम से महफूज रखे। अरे सुनिएगा दिलों बहा रखे, हुसैन शहीद हो गए, खेमे जल गए, खुदा लानत करे उमर इब्ने साद इब्ने वक़ास ने आवाज दी घोड़ों की लाल बंदी की जाए, शहीदों के लाशें पामाल किए जाएंगे। सैदानी ज़ैनब ने सुना, अपनी जगह से उठती, देखा आगे आगे कोई बीबी जा रही है, दौड़ के आगे बढ़ी, और जो देखा जनाबे उम्मे फरमा थी, जाके अपने को कासिम की लाश पहुंचा दे, मेरा बच्चा एक मरतबा पामाल हो चुका, अब दोबारा माए से पामाल ना होने दी। हाय कासिम यतीम हसन दो मरतबा लाश पामाल हो, अल्लाहुम्मा तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल मुजीब, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबिय्या क़लमू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला